का भी स्वागत बंदर अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में बड़ा गांव ब्लॉक अध्यक्ष शमशेर बहादुर पटेल जी, बड़ा गांव सेक्टर नंबर 3 के आवेदक प्रत्याशी हैं, आपका भी स्वागत बंदर अभिनंदन है। हमें के कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, हम लोगों के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम लोगों के किसानों कमेरों की नेता डॉक्टर सोनीलाल पटेल के देहांत के बाद से ही इस कार्यक्रम को पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में बड़ी बुलंदी के साथ लेकर चल रही माता कृष्णा पटेल। दिलीप पटेल, दिलीप सेठ जी, आप बड़ा गांव सेक्टर नंबर 4 के आवेदक प्रत्याशी हैं, अपने सैकड़ों साथियों के साथ आए हैं, आप दिलीप सेठ जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के कार्यक्रम में आदरणीय राहुल मौर्या जी, आप जन अधिकार पार्टी चोलापुर सेक्टर नंबर 5 के आवेदक प्रत्याशी हैं, अपने सैकड़ों साथियों के साथ आए हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच में आदरणीय संगीता मौर्या जी शिवपुर विधानसभा की, और हम लोगों के बड़े ही सम्मानित शैलेंद्र मौर्य जी, आप जन अधिकार पार्टी के किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं, आदरणीय शैलेंद्र मौर्य जी अपने तमाम साथियों के साथ आए हैं, आपका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। देखिए आज का जो प्रोग्राम है तो हमारे जो शहीद सुरेंद्र पटेल जी हैं उनके शहादत दिवस के मौके पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आज हम सभी मोर्चे के साथी आज उनके शहादत दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय सोनीलाल पटेल जी जो हमारे साथी थे उनका हमेशा आदर सम्मान हम करते रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा को लेकर के अपना दल भी बना, उन्हीं की विचारधारा से हम भी जुड़े हुए हैं, और जितने हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं आदरणीय बाबूराम पाल जी, आदरणीय रामकरण कश्यप जी, राजभर जी, सब हम उसी विचारधारा को मानने वाले हैं, और उन्हीं की विचारधारा को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने सपना देखा था, सुरेंद्र जी ने सपना देखा था, आदरणीय सोनीलाल पटेल जी ने देखा था, उसी सपना को पूरा करने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और जहां तक 22 की तैयारी का सवाल है तो 22 की तैयारी जैसे पल्लवी जी ने कहा कि हम लोगों ने जब जिस दिन से भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया उसी दिन से हम लोगों ने 22 की तैयारी की है, और हम पूरी तैयारी के साथ सभी अपने घटक दल के साथियों के साथ जब भी चुनाव अनाउंस होगा हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बेहतर रिजल्ट दिलाएं, दें, किसान के हित में काम हो सके देश में, गरीब के हित में हो सके, मजदूर के हित में हो सके, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिल सके, एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना हिस्सा मिल सके, इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव मैदान में रहेंगे। अब अभी से हम नहीं बता सकते लेकिन हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, हमारी पूरी कोशिश है कि हम बेहतर प्रदर्शन दें करें, और भागीदारी संकल्प मोर्चा की भागीदारी हो वहाँ सरकार। अपना दल के संस्थापक साथी रहे तत्कालीन मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल जी का शहादत दिवस है, और उनके प्रति हमारे समाज हमारे संगठन में एक विशेष श्रद्धा है कि उन्होंने संघर्ष के दिनों में बहुत मेहनत करके अपना दल का परचम यहाँ लहराने का काम किया है, तो उनके प्रति अपनी निष्ठा अपना सम्मान दिखाने के लिए समझाने के लिए आज यहाँ पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी साथी आज इस मंच पर आए हैं, और ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यहाँ पर मौके का एक मोर्चा नहीं है बल्कि नीतियों का मोर्चा है, मुद्दों का मोर्चा है, विचारधारा का मोर्चा है, और हम सब हर स्टेप पे हर कदम पे साथ संघर्ष करते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा को सरकार तक ले जाने का काम करेंगे। माना जाए कि 2022 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए 2022 की शुरुआत 2022 आने से एक साल पहले नहीं हुई है, बहुत पहले हो चुकी है, जब लगभग 1.5 साल पहले इस भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ था, और तब से लगातार हमारा हर घटक दल अपने अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र पर जाकर के हम लोग अपनी नीतियों को अपने नेतृत्व की बातों को संदेश लेकर के वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जनता को समझाने का काम कर रहे हैं कि इस देश का किसान और मजदूर जो सड़कों पे मर रहा है, जो खेत खलिहान की मेड़ पे मर रहा है, जब तक वो इस देश में मुस्कुराएगा नहीं ये देश कभी विकसित नहीं कहलाया जा सकता। जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें कौन कौन सी पार्टियां आपके साथ हैं? देखिए भागीदारी संकल्प मोर्चा में अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष माताजी कृष्णा पटेल जी के नेतृत्व में चल रहा है, जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में चल रहा है, हमारे साथ
ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी साथ चल रही है, माननीय बाबूराम पाल जी की राष्ट्र उदय पार्टी हमारे साथ चल रही है, कश्यप जी की हमारी भागीदारी संकट मोचा साथ चल रहा है, तो लगभग 8 पार्टियां साथ चल रही हैं और जल्द ही हमारे साथ ओवैसी जी भी जो इसमें आ चुके हैं। आज वो इस मंच पर नहीं है लेकिन अगला मंच जो भागीदारी मंच का सजेगा मोर्चे का उसमें वो हमारे साथ रहेंगे। 2022 में क्या तस्वीर रहेगी? 2022 में सिर्फ मुद्दों की लड़ाई होगी और जनता को फैसला करना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस देश को और इस समाज को और इस प्रदेश को एक विकसित जिसकी कल्पना की जा रही है उसकी तरफ ले जाना है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव को लेकर के हम सभी आपस में बैठ करके अपनी सीटें बांटने का काम करेंगे और हर नेतृत्व, हर साथी, हर घटक दल पूरी ताकत से जो भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का बैनर लेकर के सामने आएगा उसको जिताने का काम करेंगे।